सो हेलो स्टूडेंट्स, ओके सो हम लोग ने अभी तक के लेक्चर में 7 लेक्चर हम लोग के कंप्लीट हो गए। दिस इज लेक्चर नंबर 8। थंबनेल में टॉपिक देख लिया होगा, आज का टॉपिक है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल होता क्या है आइए समझते हैं। कोसाइन रूल बहुत इजी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर्स के मेथड से देखा जाए, इसको प्रूव करते हैं। और मैथ्स में इसकी जरूरत पड़ती है आपको, मैथ्स में भी और समटाइम्स वेक्टर में भी आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। होता क्या है कोसाइन रूल, आप पहले समझिए इसका फॉर्मूला क्या है और ये क्या होता है, इसको मैं बाद में प्रूफ करूंगा। मान लिया जाए ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ ए बी एंड सी है। ये एंगल है आपका, ये एंगल है आपका, ए के सामने आपका है अल्फा, बी के सामने है आपका बीटा और सी के सामने है आपका गामा। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला पूछूं कॉस अल्फा का, कॉस अल्फा, अल्फा के सामने ये है, आपको ये नहीं लेना है, ये दोनों लेना है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके सामने कौन है, उसको माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी, ऐसे लिखिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। कॉस बीटा आप क्या लिखोगे, बीटा, बीटा ये है, बीटा के सामने कौन है, बी है, तो बी को नहीं लेना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए सी, ओके। कॉस गामा, तो कॉस गामा आपका ये है, इसके सामने है, ये नहीं लेना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कोसाइन रूल। इस चीज को मैं प्रूव करूंगा बाय वेक्टर मेथड, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है बाय एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या पढ़ा है आपने, मान लिया जाए आपका एक वेक्टर है ये ए बार, एक वेक्टर है आपका ये, मान लिया जाए ये वाला वेक्टर है आपका, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं इसको, ये है आपका बी बार। मान लिया जाए इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो बताइए आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बाय वेक्टर मेथड हो जाएगा बीच में। सो दिस विल बी योर व्हाट आर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से r बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा आपको, a बार प्लस b बार, ओके। तो क्या मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, क्या कुछ वेक्टर पे फर्क पड़ता है, आंसर इज नो। तो इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, इफ दिस इज योर b बार दिस विल बी आल्सो योर b बार, हां या ना। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करके बता सकता हूं कि ये भी एंगल आपका थीटा है, सेम यस और नो, ओके। ये ए बार है, ये बी बार है, ये आर बार है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो कुछ आपका डायग्राम इस तरीके का बन गया, ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया। अब एक काम करिए, इसका डायरेक्शन मैं उल्टा कर देता हूं, तो ये क्या हो गया आपका, आर नहीं बेटा माइनस आर बार हो गया, दिस इज योर ए बार, दिस इज योर बी बार, दिस इज योर आर बार। सो व्हाट आई कैन राइट, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू आर बार, था आर को मैंने इस साइड ले लिया, तो ए बार प्लस बी बार माइनस आर बार इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। तो इसका मतलब अगर एक ट्रायंगल में इन दोनों का रिजल्ट जो कि ऐसा जा रहा था उसके डायरेक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो आपको क्या मिलता है, एक नल वेक्टर मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन आर के इक्वल होना चाहिए। और अगर इन दोनों के एडिशनल वेक्टर से ही आप रिजल्टेंट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई चीज नहीं, दैट इज जीरो वेक्टर, क्लियर। आइए इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं। मान लिया जाए कि आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, ये है आपका वेक्टर ए बार, ये है आपका वेक्टर बी बार और ये है आपका वेक्टर सी बार, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में। ए के सामने का जो एंगल है आपका अल्फा, बी के सामने का जो एंगल है आपका बीटा, सी के सामने का जो एंगल है दैट इज गामा, ओके। अब इस चीज को प्रूफ कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, ए बी सी सबके सामने के एंगल्स मिल गए, सब साइड लेंथ मिल गई। अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, आप क्या बोलोगे, गामा, रॉन्ग है। क्यों, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, क्या हेड से हेड मिला हुआ, ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर के बीच का एंगल का मेथड क्या है कि हेड से हेड मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ, क्या हेड से हेड मिला है, टेल से टेल मिला है, आंसर इज नो। तो इस वेक्टर को आप आगे शिफ्ट कर दोगे, इस वेक्टर को आप आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये एंगल मिलेगा आपको 180 माइनस गामा, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ओके। अगर मैं बी और सी के बीच का एंगल पूछूं तो एक काम करिए, इस वेक्टर को आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये आपको एंगल मिला 180 माइनस अल्फा,
इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछो तो काम करिए, इसको आप आगे एक्सटेंड कर दीजिए तो ये आपको एंगल मिल गया 180 माइनस बीटा। इज इट क्लियर? शायद आपको हर एक एंगल समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हम लोगों को क्या पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार है। अगर मैं यहां पे देखूं तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पे दो वेक्टर कौन कौन से हैं आपके, ए और बी, और सी क्या है, सी का डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया, दैट मींस ये माइनस सी बार है, डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि माइनस सी बार विल बी योर ए बार प्लस बी बार के इक्वल है। मैंने पूछा यस, आप लोग यस एकदम सही जवाब है। ओके अब एक काम करिए, तो माइनस सी बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये निकालिए, दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा, कॉस 180 माइनस गामा कितना होता है बेटा, कॉस 180 माइनस गामा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस गामा। अगर मैं रख दूंगा तो सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कॉस गामा। अगर इस चीज को इधर ले लूं, इस चीज को उधर ले जाऊं तो आपका आ जाएगा 2ab into cos gamma is equal to a square plus b square minus c square। और फाइनली फाइनल रिजल्ट में यहां पे अगर लिखता हूं तो cos gamma का आपका फॉर्मूला क्या मिल गया, a square plus b square minus c square divided by 2ab, जो कि मैंने यहां पे लिखा था, आपको बताया था, ठीक है। वैसे ही आप cos अल्फा को प्रूफ कर सकते हो, वैसे ही आप cos बीटा को भी प्रूफ कर सकते हो। तो ये लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली बताया, अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए हैं, साइड की लेंथ दी हुई है, तो आप उसके अंदर जो एंगल्स होंगे उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं। मान लिया जाए ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसकी लेंथ दी है 3, ये दिया है 4, ये दिया है 5, आपको ये वाला एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा फाइंड आउट करना है, सॉल्व करिए। तो आपका कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस अल्फा क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, क्या होता है फॉर्मूला कॉस अल्फा का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, मान लिया जाए ए, इसके सामने हो गया ये ए, बी के सामने हो गया ये बी, इसके सामने हो गया ये सी, ठीक है। अब आप लिखिए फॉर्मूला, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ओके आइए वैल्यूज पुट अप करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका बी, बी दैट मीन्स 4 है, 4 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर, सी सी कितना है 3, 4 का स्क्वायर सॉरी 16 प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स टू दी बी इंटू सी, बी कितना है आपका, बी कितना है 4 और सी कितना है 3। ओके तो अगर आप सॉल्व करोगे 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 0। तो अल्फा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, That means ये हम लोग का 90 डिग्री होना चाहिए था। मैंने ट्राइंगल कुछ भी बनाया आपने, अगर आपने साइड लेंथ ली है तो आपका 90 डिग्री ही होगा, देखिए ना ये इतना है। अब ये आप लोग कंफ्यूज क्या होते रहोगे, सर आपने ट्राइंगल को ऐसा बनाया है और आंसर 90 डिग्री आ रहा है, यस बेटा मैंने ट्राइंगल कोई भी शेप में बनाया है, इससे आपको चीज ये क्लियर हुई कि कॉस जो अल्फा एंगल बनेगा दैट मीन सी और बी के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद अगर 90 डिग्री होगा तो ये आपका हाइपोटेनस हाइपोटेनस होगा, तो ये आपका 4 दिया हुआ है, ये आपका 3 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली अगर देखिए ना पाइथागोरस से 5 ही आने वाला है, ठीक है। आइए एक सवाल और लेता हूं जिसमें मैं अलग अलग वैल्यूज ले लेते हूँ, ले लेते हैं जिसमें मान लिया जाए कोई ट्राइंगल है जिसमें साइड लेंथ आपको 7 3 2 दी हुई है, ये एंगल है आपका अल्फा, ये बीटा और ये आपका गामा, ये आपकी साइड लेंथ है ए, ये आपकी साइड लेंथ है बी और ये आपकी साइड लेंथ है सी। अब निकालिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज क्या मिलेगा, तो व्हाट इज योर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का बेटा फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
square minus a square divided by 2bc. Okay, b square means 7 का square 49 plus c square 3 का square means 9 minus a square 2 का square means 4 divided by 2 times to the b. b का value कितना है आपका? b का value कितना है? 7. और c, c का value आपका कितना है? c का value है आपका 3. तो अगर मैं देखूंगा तो 49 plus 4 49 plus 9, 59 minus 8, 58 minus 4, 42. तो अगर मैं देखूंगा ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 52 डिवाइडेड बाय 42, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो आपको देखिए यहां से ये भी मालूम पड़ जाएगा कि अगर ये ट्रायंगल एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कितना है? मोर देन वन है. कॉस थीटा मोर देन वन पॉसिबल ही नहीं होता है, तो मतलब ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे भी आपको देखिए आप कंफ्यूज हो रहे थे कि मैंने ट्रायंगल ऐसा बनाया, एंगल 90 डिग्री आएगा. डेफिनेटली आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि आपका एंगल वहां पे 90 डिग्री है. इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैरामीटर, इट्स अ काइंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो डेफिनेटली मैं कोई भी शेप में बना के अगर आपको वैल्यूज दे दूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो ट्रायंगल के एंगल्स क्या है. तो ये लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल के साइड्स दिए हो तो आप परफेक्टली बता सकते हो कि वो ट्रायंगल कौन से शेप का है. यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया कि आपका कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़े शेप कुछ भी दिया हो. अगर ऐसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में ले सकते हैं, ऐसे आप किसी भी ट्रायंगल में आप कंसिडर कर लीजिए. अगर आपको साइड लेंथ दी है तो एंगल्स निकाल सकते हैं, अगर आपको एंगल दिया है तो साइड लेंथ निकाल सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.